नमस्ते शख्स, मेरा नाम है जैस्मिन शाह। नमस्ते शख्स, आई एम भक्ति भानुशाली। हम मुंबई से हैं और हम करीबो कॉस्मेटिक्स के फाउंडर्स हैं। करीबो कॉस्मेटिक्स एक कस्टमाइज लिपस्टिक ब्रांड है जहाँ पे आप अपनी चॉइस के लिपस्टिक फ्रॉम द स्क्रैच से बना सकते हैं। करीबो पे आप लिपस्टिक के शेप, टेक्सचर और सेंट सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स वीगन, क्रुएल्टी फ्री, चाइल्ड फ्रेंडली और डर्मेट अप्रूव्ड है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स रिफिलेबल पैकेजिंग में आते हैं। हम सिर्फ लिपस्टिक ही नहीं बल्कि एक लाइव लिपस्टिक मेकिंग का एक्सपीरियंस दे रहे हैं। हमने आज तक 500 से भी ज़्यादा इवेंट्स किए हैं डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। हमारे लिपस्टिक बार कॉर्पोरेट इवेंट्स, वेडिंग्स, किटी पार्टीज, बैचलरेट हर जगह हिट है। आजकल परफेक्ट लाइफ पार्टनर तो मिल जाते हैं लेकिन मेकअप में परफेक्ट शेड नहीं मिल पाता, और इसीलिए हम चाहते हैं करीबो को एक ऐसा रेंज बनाना जहाँ पे आप लिपस्टिक से लेके ब्लश तक हर जगह आपका शेड मिल सकता है। आर आस्क इज 80 लाख फॉर 5% इक्विटी। Are you ready to experience the making of your own lipstick? Absolutely. Yes. Is it okay if I can call my technician Nehal Jain? Yeah, sure. तो आपको कैसे आया ये आइडिया? हम दोनों साथ में एक मीडिया एजेंसी में काम करते थे। Okay. वहाँ पे हम लोग को एक इन्फ्लुएंसर को कॉस्मेटिक ब्रांड के साथ लिंक करना था। वो हमारा ब्रेनस्टॉर्म सेशन था। तो वो ब्रेनस्टॉर्म सेशन का एक बेसिक आइडिया ये था कि कैसे हम उनको एक यूनिक आइडेंटिटी प्रूफ कर रहे हैं। करते करते हमें जस्ट एक थॉट आया कि जब हम लोग को आइडेंटिटी बोलते हैं इट्स अ यूनिक आइडेंटिटी, येट हम लोग को रैक से पिक करना पड़ता है शेड्स। सो वाई नॉट जस्ट लेट देम क्रिएट देयर ओन, सो दे हैव अ फ्रीडम एंड लिबर्टी फॉर देमसेल्फ। कौन से साल में लॉन्च किया आपने? अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया है। तो ग्लोबली ये कॉन्सेप्ट है? यस सर, एक ही कंपनी है विच इज कॉल्ड लिप लैब। टू ऑस्ट्रेलियन सिस्टर्स थे जिन्होंने चालू किया था। इट शिफ्टेड टू यूएस एज अ फ्रेंचाइजी, फिर वो यूएस में आई थिंक चला नहीं और फिर वो बाइट ब्यूटी के नाम से आगे चलता है। एंड फिर बाइट ब्यूटी भी बंद हो गया। या बाइट ब्यूटी भी बंद हो गया। आपके हिसाब से क्यों नहीं चला? व्हेन यू डू स्टोर बेस्ड और एक ही प्रोडक्ट होता है, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रैवल फॉर वन एक्सपीरियंस। तो हमने ये आइडिया निकाला कि हम ये करेंगे पर हम इवेंट्स जैसे इस पे करेंगे। तो हमें एक टाइम पे अराउंड 300 फुटफॉल्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और उससे ही वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होके और इवेंट्स आते हैं। ये स्मॉलर स्केल इवेंट्स भी हो सकते हैं और लार्जर स्केल इवेंट्स भी हो सकते हैं। हम केटर करते हैं मिनिमम टू 6 लिपस्टिक्स इफ इट इज इन मुंबई। इंटरसिटी और इंटरनेशनल के लिए हम लोग एटलीस्ट 25 लिपस्टिक्स का ऑर्डर लेते हैं। आप पॉप अप्स पे नहीं करते हैं, आप लोगों की बर्थडे पार्टी इन सब पे जा के बनाते हैं? प्राइवेट इवेंट्स पे ज्यादातर होता है। सो ये एक एक्टिविटी है, सर्विस कंपनी बना रहे? करेक्ट, एक्सपीरियंस। और ये बनता कैसे इसका एक्सपीरियंस, मतलब आप जो करवाते हो? होता है यहाँ पे, वी वुड लव इफ यू कुड कम एंड कस्टमाइज योर ओन लिपस्टिक। चलिए विनीता, आप बनाएंगे, हम देखेंगे। ओके, इनको लिपस्टिक का बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत कम है। मुझे लिपस्टिक का बहुत शौक भी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैंने सोचा था कि मुझे मेकअप स्टार्ट करना है तो मैंने भी घर पे लिपस्टिक्स बनाई थी, एक किट पिगमेंट्स खरीद के फर्स्ट टाइम। So these are the colors right here, which are food pigments, and this right here are the bases. So ये basically two types है, one is for liquid lipstick and one is for bullet lipstick. And then next what we have here is ये हमारे pure essential oils है, again उसमें से yes for the fragrance purpose. ये one. Thank you. Ritesh sir, this is your lipstick. मेरी उसके लिए कि wife के लिए? आप दोनों लिप बाम भी आप यूज कर लिया। Grapefruit. Done. Would you like to add your essential oil yourself? Okay. Feel I'm in the science lab. So fun. Chemistry. Ma'am, now it's your turn to blend your own lipstick. ये मजा है ना खुद से बनाने का। चलिए, तो मैं पूरा ऐसे mix करूँ। Yes. अरे, this is a very pretty color. Yeah, it's very pretty. It's going with your sari. Yeah. Have I blended it enough? Yes. Okay, DIY needs to think. Thank you.
तो ऐसा क्यूट सा सेटअप आप सब जगह लेके जाती हैं जब आप घर पे करती हैं पार्टी। आई थिंक टीनेज गर्ल्स की बर्थडे पार्टी के लिए तो ये क्रेजी होता होगा। एक्चुअली टीनेज गर्ल्स एंड मॉम्स बेबी शावर्स मोस्टली हमारा वेडिंग स्पेस ज्यादा हिट हो जाता है ये। पुट ऑन योर लिप्स ना। इट फील्स नाइस। ये खाने के लाइव स्टेशन जैसा है कि मतलब यू सी द फूड इन एक्शन। नीता ये ठीक लगी है जरा बताइए। हाँ अच्छी लगी। एक्चुअली सूटिंग यू का लगा। सूटिंग नाइस हो। बेटर देन द प्रीवियस वन। इट्स सूटिंग यू। या या या। एंड आई फील रादर प्रोडक्टिव एंड लिपस्टिक। थैंक यू। सो ग्लैड यू लाइक इट। अब ये लिपस्टिक मेल्ट होने जाएगी। फिर मेल्ट होने के बाद हम इसको मोल्ड में पोर करेंगे, थोड़ा टाइम फ्रीज करेंगे एंड देन वी रेडी टू अंडरकोट। सो दिस इज रेडी। वी कैन शो यू दिस वन। ये फ्रोजन मोल्ड। अच्छा पहले से बना के लाए हैं। Super cute. It's like magic. Super cute. ऐसे बनती है हमारी सारी ये कंपनी है शुगर। हमने ट्राई किया है कभी शुगर का लिपस्टिक? हम करीबो यूज करते हैं। आपको पसंद है? हाँ, she's very cute. She's like, I use my own brand. Very nice experience. Thank you for this. Thank you so much. Thank you. आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं आपने कैसे इवेंट्स किए, कितने इवेंट्स किए हैं इन द लास्ट 3 इयर्स? वेडिंग सीजन में हमारे बहुत स्टॉल्स लगते हैं। एट कार्निवल हो गया, संगीत हो गया, हल्दी हो गया। फिर हमारे नॉर्मल जो 8 मंथ्स होते हैं उसमें नॉर्मल बिजनेसेस जैसे किसका एंगेजमेंट पार्टी हो गया, बैचलरेट हो गया, बर्थडेज हो गया या गेट टुगेदर्स, किटी पार्टीज, उसके लिए होते हैं। हाउ मेनी इवेंट्स? 500+ इवेंट्स वी हैव डन ओवर द लास्ट 3 इयर्स। ओवर द लास्ट 3 इयर्स। आपकी टीम है या आप लोग खुद जाते हो? यस सर, हमारे पास टीम है, टीम ऑफ मिक्सोलॉजिस्ट। डिड यू जस्ट कॉल देम मिक्सोलॉजिस्ट? यस। आई एम कॉलिंग अ मिक्सोलॉजिस्ट फॉर माय पार्टी। ओह, दैट डजंट मीन दिस वन, इट मींस लिपस्टिक गाय। यस, इट्स द हेल्दियर मिक्सोलॉजी। यस, बेसिकली हमारे पास 12 मिक्सोलॉजिस्ट है। सो दे मूव अक्रॉस। हम एक दिन में एट द मैक्स एट द मोमेंट हम लोग 2 to 3 इवेंट्स कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ इवेंट्स। व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ दिस इवेंट? सीजनल में हमारा यूजुअली अराउंड 45,000 रुपीज का एक इवेंट होता है और नॉन सीजनल में हमारा 25,000 का मिनिमम होता है। 45,000 में हाउ मेनी लिपस्टिक्स आर मेड? अराउंड 100 लिपस्टिक्स। एक बार एक्साइटमेंट खत्म हो गई फिर वो बाद में आके सेम चीज थोड़ी बनवाते हो? क्या करते हैं, हमें बोल देते हैं कि हम मुझे ये शेड चाहिए तो देन वी सेंड इट। फिर वो एक्सपीरियंस। तो आप एक्टिवेशन की तरह भी यूज करते हैं इवेंट्स को कि वहां पे एक बार क्लाइंट मिल गया तो उनसे फिर बाद में रिपीट बिजनेस? कन्वर्जन कितना होता है अगर 10 लोगों ने ट्राई करा उसके बाद कितने लोग उसमें से एक्चुअल कस्टमर बनते हैं? सर हमारा कैसा है कि हम लोग का 3 सोर्स ऑफ सेल्स है। एक होता है इवेंट्स जहाँ पे हम ऑलमोस्ट 60% ऑफ आर हम लोग को रेवेन्यू मतलब ये जनरेट होता है। वो 60% में से 60% लोग ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाते हैं, इधर दे डू मोर इवेंट्स और वो पर्सनलाइज लिपस्टिक्स बनाते हैं। अराउंड 35% ऑफ द पीपल वो जो रीऑर्डर करते हैं इंडिविजुअल लिपस्टिक। उसके बाद भी करते रहते हैं, लाइफ टाइम करते हैं या एक बार ही करा? हम लोग एक जन को ऑलरेडी ऑन एन एवरेज 3-3 बार तो कर चुके हैं, लिपस्टिक्स दे चुके हैं बल्क ऑन एन एवरेज ऑफ ऑल योर कस्टमर्स। यस सर, बट इट्स हार्ड टू बिलीव अ बिट। आप उसका मैथ बताओगे कितनी लिपस्टिक आपने इंडिविजुअली अलग से बेची हैं? अप्रोक्सीमेट दैट कम्स अप टू अराउंड 1,500 लिपस्टिक्स जो मैंने ऐसे ही बेची। ठीक है जैस्मिन, अभी अपना आपका रेवेन्यू ओवरऑल बता दीजिए पिछले साल का और इस साल का। हमारा लास्ट ईयर का रेवेन्यू भी क्लोज्ड एट अराउंड 80 लाख रुपीज और ये साल सितंबर 30 तक हम लोग ने ऑलरेडी 64 लाख कर चुके हैं। फुल ईयर कितना प्रोजेक्शन है आपका? 1 करोड़ 65 बिकॉज हमारा सीजनल मंथ अभी चालू हुआ है। और आपका नफा नुकसान पिछले साल का और इस साल का क्या हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर वाज अराउंड 60%, जो हमारा नेट प्रॉफिट था वाज अराउंड 50% बट एक्सक्लूडिंग पार्टनर्स रीइमरेज। और इस साल का 61% ग्रॉस प्रॉफिट है और हमारा नेट प्रॉफिट है विच इज अगेन अराउंड 50% without partner remuneration। तो पिछली साल जो आपने अपनी रिपोर्ट फाइल की फाइनेंशियल फाइल की उसमें आपका अराउंड 40 लाख प्रॉफिट था? यस मैम। आपने 40 लाख प्रॉफिट पे अबाउट 15-20 लाख टैक्स भरा होगा? हम लोग एक्चुअली जब चालू किया था वी वर ओनली 21 इयर्स ओल्ड, सो वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ
चैनलाइजिंग द कंपनी. सो अभी आपने कंपनी बना के वो नहीं किया था, अभी आप ऐसे ही कैश में पेमेंट लेते थे एंड कैश में सेटल कर देते थे, अभी आप करेंगे अपना कंपनी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट. यस, आप लोग 24 क्यों? यस सर, वी आर 25. यस, अमेजिंग. अब क्या प्लान है? आपने कोई इन्वेस्टमेंट रेस किया है? अभी आप पैसा अभी पहले तो कंपनी बनानी है. Yes. Because अभी तो कोई आके आपकी बुक्स अगर ऑडिट करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, राइट? आपने कुछ बिल्स होंगे, कैश में पेमेंट, इक्वल पार्टनरशिप, समझ नहीं आएगा क्या ऑडिट करते. 50-50. यस सर. मुझे लग रहा है आप लोग बड़े स्वीट हो, पैशनेट हो. एक बिजनेस हेड रख लो अपने साथ, कंपनी बनाते बनाते एक फाउंडर रख लो जो इसको थोड़ा बिजनेस की तरह और सोचेगा. आप लोगों ने बड़ा अच्छे से स्टार्ट किया है. मैं अभी आउट हूँ क्योंकि अभी मुझे उस डायरेक्शन में आपका दिख नहीं रहा, अभी थोड़ा पैशन की तरफ दिख रहा है, which is also not wrong. आप लोग खुश रहो, करते रहो, enjoy करो. Thank you so much, sir. Thank you. क्या करना चाहेंगे 3-5 साल में numbers के? हमारा expected growth is going to be around 35% from what we are doing. You will be surprised. You might do more than 100%. You should be doubling and 5xing. You should not be thinking of percentage. Yes, ma'am. Have big aspirations, please. You are doing something very interesting because मैंने देखा राधिका की reaction जब वो बना रहे थे. मुझे लगता है कि ये जो आपका model है ना, ये काफी एक अच्छा मॉडल है टू बिल्ड हाई एंगेजमेंट एंड हाई ट्रस्ट एंड लो कॉस्ट. बिकॉज आज की डेट में अगर आप देखें D2C brands का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मार्केटिंग कॉस्ट. और आप एक लो इफेक्टिव वे में अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं जिसमें आप पैसा जला नहीं रहे, पैसा बना रहे हैं. और अगर अब आप एक अपने नए रेंज ऑफ कलर्स ऑफ लिपस्टिक्स लॉन्च करें तो विद जीरो मार्केटिंग कॉस्ट आपकी सेल हो जाएगी टू ऑल दोस पीपल. तो आई जेन्युइनली थिंक आपको इस ब्रांड की लिपस्टिक्स लॉन्च करनी चाहिए. कुछ उसमें आप डिफरेंशिएशन ला सकते हैं, आपको नॉलेज है. एंड इन पैरेलल यू शुड कीप दिस सर्विस गोइंग. तो यू कैन एक्चुअली बिकम अ वेरी सक्सेसफुल D2C ब्रांड विद ऑलमोस्ट जीरो marketing cost. So I think that is a direction you should think for. मुझे नहीं लगता अभी ये investable है business, because आपको think करने की ज़रूरत है कि आप किस direction में जाना चाहते हैं. इसीलिए मैं बाहर हूँ. But well done, 24 साल में आप लोग 1 करोड़ रुपए almost profit कमाएंगे. Thank you so much. हर industry में एक education का concept होता है. हमारे यहाँ जैसे investor education होती है, आप lipstick education कर रहे हैं in some sense, experiential काम कर रहे हैं. लेकिन वो एजुकेशन एक कॉन्सेप्ट होता है, इट हैज टू ट्रांसलेट इनटू ए बिजनेस. सो आई थिंक आप एक कॉन्सेप्ट हैं, कंपनी बनने में आपको टाइम लगेगा एंड यू हैव टू फिगर आउट आप इसको कंपनी कैसे बनाएं. बिकॉज सिर्फ इवेंट से आई डोंट थिंक एक स्केलेबल कंपनी बन सकती है. एक तो कंपनी आप जल्द से जल्द बनाइए. सेकेंड, जैसे आप लोगों के साथ जाके पिच करेंगे, थोड़ा सा आप अपने नंबर्स पे कंट्रोल ज़्यादा लाइए. जैसे आप 1000 से 1500 लिपस्टिक कह रहे हैं, प्रिसाइज हो जाइए. ये इवेंट्स आप कॉर्पोरेट्स में जरूर करिए. हम कॉर्पोरेट्स हैं, वी आर ऑलवेज लुकिंग कि एंगेजमेंट के टूल्स ढूंढें. आई थिंक ये बहुत एक्साइटिंग होंगे वहाँ. बट आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक. आई एम आउट फॉर नाउ. थैंक यू सो मच. इवेंट्स छोटा बिजनेस नहीं है. मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ. हमारे जो फैमिली ऑफिस के फाइनेंस हेड करते हैं, हम उनके थ्रू आपके लिए कंपनी सेटअप करा देंगे. आपके लिए जो भी आपको टैक्स फाइलिंग की सपोर्ट चाहिए वो हम आपको हेल्प करा देंगे. आप 1-1.5 साल ये अच्छे से करें, मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ा वेडिंग्स का और इवेंट्स के अराउंड बिजनेस बना सकते हैं और उसके साथ साथ उन ट्रायल्स के साथ एक अच्छा प्रोडक्ट का भी बिजनेस बना सकते हैं. पर क्योंकि मुझे लगता है इसमें 1-1.5 साल आपको और चाहिए अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, उस कारण से आज मैं आउट हूँ. बट आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस. थैंक यू सो मच. ये जो कस्टम प्रोडक्ट्स वाला बिजनेस है फॉर एनी कैटेगरी, स्किन केयर, मेकअप, बहुत कंपनीज ने ग्लोबली बहुत अटेम्प्ट्स किए हैं, पर ये कभी स्केल नहीं हुआ. एज अ गिमिक बन के रह जाता है. एंड ब्रांड्स जिन्होंने कोशिश किया इसको एज एन एक्टिवेशन चैनल यूज करने के लिए, उनके लिए भी चैलेंज ये होता था कि कंज्यूमर जब प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको परफॉर्मेंस चाहिए. और ये जो होम मेड प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ हाउ लॉन्ग दे लास्ट, वो कलर की कंसिस्टेंसी, वो नहीं आ पाती है. तो दैट इज वाई ये बिजनेसेस ग्लोबली स्केल नहीं किए. तो माई सजेशन इज कि इसको आप रियली एज अ प्रोडक्ट बिजनेस की जगह एज अ सर्विसेज बिजनेस रखिए. बिकॉज इट इज़ अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड इट इज़ यूनिक. ऑल टाइप्स ऑफ पार्टीज में जो आप सर्विस प्रोवाइड करती हैं वो भी आपका डिफरेंशिएटर है. एंड आप इसमें बहुत अच्छा काम करिए. आई लव द ब्रांड नेम एज वेल. एज ऑफ नाउ ये बिल्कुल भी इन्वेस्टेबल नहीं है बिकॉज आपके नंबर्स ऑडिट नहीं कर सकते. आपके एम्बिशन जो है 35% ग्रोथ का, वो बहुत छोटा है. तो अभी ये सब आपने थोड़ा थिंक थ्रू नहीं किया. आप टू अर्ली हैं.
तो फॉर दैट रीजन आई एम ऑल्सो आउट बट वुड बी रियली हैप्पी टू लुक एट दिस अगेन आफ्टर वन और टू इयर्स इफ आई कैन वेरीफाई द नंबर थैंक यू सो मच मैम थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच